नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आज था Redmi Note 9 Pro Max का सेल और मैंने हर बार की तरह फिर से आज भी बहुत सारे Amazon अकाउंट लेके बैठा था। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने Redmi Note 9 Pro Max बुक करने के लिए एग्जैक्टली कौन सा एक्सटेंशन यूज किया था और आपको परफेक्टली बुक करने के लिए कुछ टिप्स भी दूंगा जो कि मुझे आज ही पता चला। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो Redmi Note 9 Pro Max खरीदने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ऑटो बाय ट्रिक। और अभी मार्केट में अगर आप पीसी से करते हो तो टोटल 3 ऑटो बाय के और अभी के लिए बस एक ही ऑटो बाय ट्रिक काम करता है, वो है ये वाला। इसके लिए बस आपको गूगल पे जाना होगा, Redmi Note 9 Pro Max ऑटो बाय ये चीज लिखना होगा। लिखने के बाद जनरली जो पहला लिंक वही होता है असली वाला, उसमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पर ये जो येलो बैक वाला ऑप्शन है यही दरअसल अभी का बेस्ट ऑटो बाय ट्रिक है। इसे इंस्टॉल करने के लिए एड टू क्रोम, उसके बाद एड एक्सटेंशन कीजिए। देखिए कोने में इसका ऑप्शन आ चुका है, आपको बस इस कोने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्योंकि आज Redmi Note 9 Pro Max है इसलिए मैक्स ऑप्शन पर सिलेक्ट कीजिए। देखिए मैं एक घंटा पहले ये काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी यहाँ पर जितने भी मॉडल्स है सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं एक घंटा पहले सिलेक्ट करके रख रहा हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए। और मैं एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से एक पीसी से 7 अलग अलग विंडो ओपन करके मैं ये काम कर रहा हूँ। वैसे मैं एक विंडो से 7 अलग अलग क्रोम कैसे ओपन करते हो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बोलना, मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो देखिए मैं आज पीसी से 7 और लैपटॉप से एक विंडो खोल के बैठा हूँ। तो अब मैं वीडियो को यहाँ पर थोड़ा स्किप कर दूंगा, जैसे ही सेल शुरू होगा तब मैं वीडियो ओपन करूंगा। देखिए सेल शुरू हो चुका है और मैंने आज जो टोटल 8 विंडो खोल के बैठा था उसमें से बस 2 ही विंडो में सक्सेसफुली Redmi Note 9 Pro Max कार्ट में आ चुका है, जैसे कि ए वाला और ए वाला विंडो। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप आपके लिए कॉन्फर्म बुकिंग करना चाहते पीसी से बुकिंग करना चाहते तो एटलीस्ट मल्टीपल विंडो ओपन कीजिए, उसमें से एक ना एक में तो जरूर होगा। और वैसे इस काम के लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया, आप देख सकते हैं, इस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस ग्रुप में जो लोग ज्वाइन करते उनमें से ही मैं अमेजोन का अकाउंट और पासवर्ड लेके उनके लिए एक करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 100% सक्सेसफुल तो नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते मैंने आज 8 अकाउंट में से 2 में सक्सेसफुल किया है, मेरे इस ग्रुप में से किसी ने 12 विंडो में से 1 में सक्सेसफुल किया है, किसी ने 4 में से 1 में किया है, मतलब ऐसे ही होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। अगर मैं आपके लिए बुकिंग नहीं कर पाया तो इस ग्रुप में बहुत सारे बंदे जो कि आपके लिए कर देंगे, तो इसलिए आप बस इस ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा जो कि मैंने आज ही नोटिस किया, ऐसा इमेजिन कीजिए यहाँ पर ये जो पूरा विंडो है, विंडो का जो सेकंड पोजीशन यहाँ पर है 6GB 64GB ब्लैक वेरिएंट, ठीक है। एक घंटे पहले मैंने देखा ब्लैक, लेकिन सेल शुरू होने के एग्जैक्टली 1 मिनट पहले ये जो टोटल सीरियल नंबर है सब कुछ चेंज हो जाता है। जहाँ पर अभी 6GB 64GB है वहाँ पर आपको दिखेगा शायद 6GB 120GB, या फिर जहाँ पर है 6GB 120GB उधर चला जाएगा 6GB 64GB, मतलब ये थोड़ा सा सफ़ेद जैसा होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसलिए हर 30 सेकंड बाद हर एक विंडो को रिफ्रेश करना, ये मैंने आज ही देखा है, ये अमेजोन शायद एक कुछ करता है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं Redmi Note 9 Pro या फिर Pro Max बुकिंग, बस यही वाला ऑटो बाय एक्सटेंशन यूज करना है और आप इस ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करेंगे इस स्मार्टफोन को खरीदने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।